हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल करीम फोटोग्राफी। हमारे साथ है आज मोही। हेलो मोही। हेलो हेलो मोही, हमारे साथ काफ़ी दिनों के बाद ज्वाइन करे। आज हम लोग आए हैं लाफ्रेस्का। लाफ्रेस्का काफ़ी खूबसूरत रेस्टोरेंट है, मतलब खूबसूरत इज़ द वर्ड मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं जैसे देखा रेस्टोरेंट को, देखते एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, एवरीथिंग इज़ ज़बरदस्त। क्या फयाज भाई, फयाज भाई घूम रहे खाली। कैसा है रेस्टोरेंट? अच्छा बहुत, एम्बियंस इज़ रियली गुड, फ्रेश फीलिंग एकदम अर्ली मॉर्निंग। तो जैसे कि हम लोग की ये सीरीज़ का मकसद ये है कि हम लोग हेल्दी ब्रेकफास्ट ट्राई करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए हमने आज चीज़ आमलेट विथ मशरूम्स एंड ग्रिल चिकन विथ जो है मैश पोटेटोज एंड साथ में जो है करीबियन जग चिकन विथ राइस और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप वीडियो में देखेंगे। क्या बात तो है, देखिए बस आगे देखिए। फयाज भाई को हर चीज़ मुँह जबानी याद हो गई, तो अब खाना है जल्दी जल्दी। क्या बोलते मोही, आर यू रेडी? एक्साइटमेंट लेवल। तो हम लोग अभी इतना ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट करके यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आज कभी घर जाना है। इट वाज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। ये हमेशा की लाइन हो गई क्योंकि वाकई में हम लोग अच्छी जगह पे जाते, और आज तो यू नो मैं इस कैफ़े का फ़ैन हो गया क्योंकि एम्बियंस इतना प्यारा था, इतना अच्छा था, आस पास यू नो नेचर, क्या बोलूँ फयाज भाई, कैसा था? ज़बरदस्त था, मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर। मैं इससे पहले रात में आया था तो रात का एम्बियंस तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पर, बट अभी जो है सुबह के टाइम पर हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आए यहाँ पर, तो इसका नाम जैसे लाफ्रेस्का मींस द फ्रेश, तो एक फ्रेशनेस जो है ना आपको फील होगी यहाँ पर आएंगे तो। ग्रीनरी है, झाड़ है, तो यू विल फील द फ्रेश एयर, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। और रही बात खाने में, आई थिंक हम लोग आज सिक्स थिंग्स वी हैव ऑर्डर्ड, तो उसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो था ग्रिल चिकन विथ स्पेगेटी एंड जो है ना सॉल्टेड वेजिटेबल्स था, वो पसंद आया। साथ में जो है ना आमलेट जो मशरूम एंड चीज़ के साथ था वो काफ़ी पसंद आया मुझे। और मेरा पर्सनल फेवरेट एक्चुअल में जो है ना यहाँ पर जो मैं एक दो बार खा चुका हूँ वो है लाइक करीबियन जग चिकन, जो टैंगी फ्लेवर होता है ना यूजुअली, लाइक आई रियली लाइक दैट फ्लेवर। तो और बस आई मीन दूसरे तो जैसे कि हम लोग ने सैंडविच खाया, पास्ता खाया, और चिकन सिजलर भी जो है ना बहुत सिजलर भी बहुत अच्छा था। हाँ, राइस बहुत फ्लेवरफुल था एंड साथ में जो चिकन थी ना इट वाज लाइक सक्यूलेंट, बहुत मज़ा आ गया मुझे तो, ज़बरदस्त था। सिजलर्स तो मतलब ऑब्वियसली मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि यू नो शूट करने में बहुत मज़ा आता सिजलर, क्योंकि जितना स्मोक आता उसको स्लो मोशन में शूट करने में बहुत यू नो मज़ा आ जाता, तो वो तो था। प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली मैटर्स, लेफ्ट नहीं था, थोड़ा आगे से डी यू टर्न ले लो फयाज भाई। हाँ, तो मैं ये बोलना भूल गया कि इस कैफ़े में सीटिंग बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ही कंफर्ट,
बहुत अच्छा लगा है मेरे को। बेस्ट चीज़ इसलिए क्योंकि जो वहाँ के जो टेबल्स थे वो बैकग्राउंड जो था बहुत ज़बरदस्त था। फ़ोटोज़ लेने के लिए बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी था। जितने भी मैं फ़ोटोज़ लिया, जितना भी मैं वीडियो लिया, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। मतलब क्या वजह से मैच हो रहा था कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, बहुत अच्छी जगह। राइट, फैयाज भाई कहाँ जा रहे हैं? फैयाज भाई के पास एक लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। वो लिस्ट मैं अभी रिवील नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बनने से पहले शायद आप लोग उसके बारे में जान जाएंगे। तो पहले हम लोग वहाँ पर जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, उसके बाद आप वहाँ पर जाना। मोई आपको क्या पसंद आया? वाइट पास्ता, वाइट सॉस पास्ता। कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। राइट, सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा हमेशा की तरह। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। और हम दोनों को इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो कर लो। ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है और ये फैयाज का है, तो ज़रूर फॉलो कर लो। और अगला वीडियो भी बहुत अच्छा होगा इसी तरह। तो जैसा मैं बोला, फैयाज के पास एक अच्छी लिस्ट है, तो हम लोग अलग अलग रेस्टोरेंट्स और कैफ़े में जाएंगे। तो फैयाज भाई क्या बोलते हैं? हाँ भाई, लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, तो देखते रहिए आप लोग, एपिसोड ज़रूर एंजॉय करेंगे। हाँ, और अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसी कैफ़े है जो आप लोग गए हैं और आपको पसंद आए, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि हम वहाँ पर जाएँ। तो और ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। वैसे अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, हम लोग घर जा रहे थे, लेकिन फैयाज भाई का दिल बोला कि कुछ मीठा हो जाए, तो हम लोग यहाँ पर आए मीठे मियाँ। ऑथेंटिक हैदराबादी डेजर्ट्स है यहाँ पर। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन हैदराबाद टू हैव डेजर्ट्स। बहुत अच्छी जगह है, मेरी फेवरेट प्लेस है। मैं फैयाज के साथ कई दफ़ा यहाँ पर आके खा लिया, बहुत अच्छी जगह है।